Subscribe to M.K.Jain classes and press the bell icon for latest updates. बचपन से जब मैं यहाँ तक पहुँचा तो मुझे हमेशा कहा गया कि ये कर लो, इसके बाद ये नहीं करना पड़ेगा। फिर जब मैं उस जगह पर पहुँच गया तो कहा गया कि अब ये कर लो, इसके आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा। और मैं आज देखता हूँ कि अपना जो जीवन है वो बहुत अच्छी तरह से मैं चला रहा हूँ, लेकिन न जाने कितने सपने मेरे अंदर जन्म लिए और उन सपनों को मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन शायद वो जो सपने थे वो पूरे नहीं हुए। तो मेरे दिल में एक बात उठती है कि आप लोग भी सब, आपने अपना जीवन चालू किया है, आप सब लोग जो स्टूडेंट्स हैं अभी 10th 11th 12th में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कॉलेज में, आपके सामने भी एक बात आती है कि क्या हम अपने सपने पूरे करेंगे या नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो हम सोचते हैं वो अपने सपने हम दूसरों के भरोसे हम अभी कर नहीं पाते, जो हम सोचते हैं वो हम कर नहीं सकते। कभी पापा रोकते हैं, कभी मम्मी रोकती है, कभी भाई रोकता है, कभी पैसे रोकते हैं, कभी दोस्त रोकते हैं, यू नो, हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। तो क्या फिर जीवन से हार मान लेनी चाहिए? नहीं, ये गलत है। मैं आज उसी बात का जवाब देता हूँ। हमारा जब कोई एक सपना पूरा नहीं होता है तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम हार गए। हकीकत में मैं भी ऐसा ही सोचता था, पर आज इस मुकाम पे खड़े होकर जब मैं सोचता हूं कि क्या मेरे सपने पूरे नहीं हुए, मेरे सपने पूरे हुए, क्योंकि मुझे किसी ने कभी गाइडेंस दे दी थी छोटी क्लास के अंदर एक वाक्य कि जो लड़ा है वो हारा नहीं, हारा वो है जो लड़ा नहीं। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आपके मन में रोज रोज नए ख्वाब होंगे, नए सपने होंगे, नए तरीके से कभी घूमना होगा, फिरना होगा, और आपको फ्रस्ट्रेशन भी आएगा कि क्यों मुझे हर कोई रोकते हैं। वो रोकते नहीं है आपको, न मम्मी पापा रोकते हैं, न दोस्त रोकते हैं, न भाई रोकता है, न बहन रोकती है, न समाज रोकता है, न टीचर रोकते हैं। वो सब लोग जब आपको हवा के थपेड़ों की तरह है, सोचिए एक पेड़, एक छोटी सी कहानी है कि एक पेड़ ने कंप्लेन की कि भगवान कितनी हवाएं चलाता है, कितने तूफान लाता है, मुझे फसल के रूप में कई बार सुला देता है, मुझे फिर ताकत लगा के उठना पड़ता है, काश एक बार तो ऐसा कर कि ये हवाएं ना चलें, ये धूप उतनी तेजी से ना पड़े, मैं आराम का जीवन तो जीऊं, भगवान ने कहा तथास्तु। और फिर वो जब बीज बाहर निकला तो भगवान ने वो सारी चीजें जो उसने चाही थी कि हवा नहीं चले, धूप इतनी तेज उसके ऊपर न गिरे, तूफान न आए, पानी की तेज बौछारें न उसके ऊपर पड़े, ये सारे उपक्रम भगवान ने कर दिए उस पर्टिकुलर पेड़ के लिए। लेकिन ये क्या, वो पेड़ बड़ा हुआ ही नहीं, और जो थोड़ा बहुत भी बड़ा हुआ तो गिर गया। उसने कंप्लेन की कि भगवान ये क्या किया। भगवान ने कहा कि देख, हवा के थपेड़े, तूफान, बारिश, इन सब को तूने चाहा ही नहीं, तूने सिर्फ चाहा कि आराम को चाहा, और इस कारण तेरे अंदर जो संघर्ष करने की क्षमता थी वो खत्म हो गई। आपने देखे होंगे बड़े बड़े पेड़ बड़े बड़े तूफानों में भी टिके रहते हैं, वो इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि उनमें लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है, और लड़ने की क्षमता तब पैदा होती है जब दुनिया, समाज, पापा मम्मी सब हमको थपेड़े देते हैं। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी ये नहीं सोचे कि बड़े लोग हमसे क्यों बार बार रोकते हैं, टोकते हैं, क्यों मजबूर करते हैं, क्यों बार बार कहते हैं कि बस ये कर ले इसके बाद में, नहीं, वो सब हमारे सहयोगी है क्योंकि वो हमारे अंदर लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं। याद रखिए दोस्तों, जो लड़ा है वो हारा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। बहुत पॉजिटिव रहिए, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने का सोचिए, और सोचिए कि तो थपेड़े हैं, हवा के झोंके हैं, मुझे मजबूत बना रहे हैं, तो जीवन में आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।